और ये सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ से। आपको मिल जाएगा ऐसा क्या? ऐसा भी होता है सर। सच में? बहुत लोग देखिए ना, बहुत लोग पाए हुए हैं। बहुत लोग पाए हुए हैं, बहुत लोग पाए हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ते से जाते समय ये पहाड़। गैंगटॉक जाने के लिए रास्ते पे से तो लिफ्ट मिल नहीं रही है जैसा कि आप देख सकते हैं इधर से, तो अभी वो जा रहे हैं, वो नेक व्यक्ति ने हमें ये जाने वाला शॉर्टकट रास्ता बताया पहाड़ों द्वारा अंदर अंदर सीढ़ियों के माध्यम से। चलिए फिर चलते हैं, चलते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। देख सकते हैं आप पीछे का नज़ारा, और ये सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ते हैं ऊपर और देखते हैं यहाँ से कैसे कैसे निकलते हैं। ये रास्ता आपको दिखाते हुए चलते हैं सीढ़ियों को चढ़ते हुए। ये बाईपास रास्ता है, गैंगटॉक का जाने का रास्ता है। रोड से तो मिल नहीं रही थी लिफ्ट, देख सकते हैं यहाँ, तो इसी रास्ते से हम लोग निकल रहे हैं सीढ़ियों के माध्यम से, चलते हैं। तो भाई देख सकते हैं इधर का जंगल का नज़ारा, ये पहले ऊपर तब आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतना ही चढ़ाई में हम लोग थक गए। सामने से रोड आपको दिख रहा होगा और इतना ही ऊपर आने में हम लोग थक गए, क्योंकि बैग इतना लोड हो गया है ना हम लोग के शरीर पे, और ज़्यादा चलने की वजह से हम लोग थक भी गए हैं। लग रहा है आज भी हम लोग गैंगटॉक से निकल नहीं पाएंगे, मेरे को तो यही लग रहा है। गलत हम लोग आ गए गैंगटॉक, मेरा मानना है। क्या उत्पल जी, चलिए फिर आगे देखते हैं। ऐसे अभी हम लोग नीचे से आए लोग सीढ़ियों से और इस रोड पे, और फिर इस श्रेणी से जाएंगे हम लोग। तो गाइस जैसे ट्रैकिंग किया जाता है वैसे ही हम लोग पहाड़ों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का द्वारा चढ़ रहे हैं ट्रैकिंग करते हुए। और ये भाई साहब आगे जो जा रहे हैं यही मिल गए बाईपास रास्ता बताने के लिए, तो उसी रास्ते हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस चलते हैं फिर मेन गैंगटॉक में, और फिर वहाँ पर मिलते हैं आपसे, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत मुश्किल है चढ़ना, बहुत खतरनाक है, इसलिए देखते हैं फिर करते हैं फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं तो बहुत थक गया सीढ़ियों को चढ़ चढ़ के, और ये लोग तो चढ़े ही जा रहे हैं, देख सकते हैं यार बहुत थक गया, बहुत मुश्किल हो रहा है ट्रैकिंग। और इस ट्रैकिंग के दौरान घुमटियाँ घरों और दुकान दुकान सब देखने को मिलेगी। ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं, क्या नज़ारा है। तो गाइज पहाड़ों से सीढ़ियों का रास्ता लेते हुए मैं जब चढ़ रहा था तो मैं बहुत थक गया था, तो गाड़ी में बैठने के बाद बहुत सुकून मिला है। और ये हम लोग ने पैसे दे के जा रहे हैं हम लोग आगे, और आगे वहाँ से जहाँ से हम लोगों को सिक्किम से सिलीगुड़ी की गाड़ी मिलेगी वहाँ हमको ये हमको छोड़ेंगे ये गाड़ी वाले भैया, और ये हम लोग पैसा दे के जा रहे हैं, क्योंकि सिक्किम में बहुत मुश्किल है हिचाइकिंग करना, बहुत ही मुश्किल। और जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हैं, हाँ सिक्किम घूमने लायक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जगह है, पहाड़ों का नज़ारा, ब्यूटी ऑफ नेचर ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इसमें तो कोई कहने लायक नहीं है। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग निकल चुके हैं गैंगटॉक से, और अभी हम लोग रानीपुल का नज़ारा। तो भाई रानीपुल से जब आगे बढ़ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं पहाड़ों को काटता फिर घर बनाया गया रास्तों में, और क्या ही रोड का नज़ारा ज़बरदस्त, क्या नज़ारा आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के पास का। जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ते से जाते समय ये पहाड़, और क्या ही ये पहाड़ों का सौंदर्य सुंदरता का नज़ारा। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम सिक्किम से सिलीगुड़ी का रास्ते में ये पड़ता है तिस्टा रिवर, दो पहाड़ों के बीच में बहता हुआ तिस्टा रिवर, और ये आप देख सकते हैं क्या ही मुड़ान, वाव बड़ा गजब। यहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है अगर आराम से अगर आप गाड़ी ना निकालो तो, क्या ही ज़बरदस्त नज़ारा। और सामने से ये नदी देख सकते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इस रास्ते के नज़ारे से तो क्या ही इस प्राकृतिक और सौंदर्य का नज़ारा ज़बरदस्त दिख रहा है। सिस्टर रिवर को पार कर रहे हैं,
इधर पेड़ पौधे और घरों को काट के मतलब पहाड़ों के नीचे भी, और जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये रास्ता में हम लोग को जाम भी मिलता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं पहाड़ों पर जाम लगना तो आम बात है, इसलिए गाड़ियों को बहुत आराम से चलाना पड़ता है। देख सकते हैं क्या ही नज़ारा, ज़बरदस्त। तो चलिए गाइस फिर आगे मिलते हैं आपसे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये क्या ही पहाड़ों का नज़ारा हमको देखने को मिलता है। कभी कोई टेढ़ा नुमा पहाड़, कभी कोई सीधा नुमा पहाड़, कभी पहाड़ों से नदियाँ, मतलब एक झरने की तरह जो पानी गिर रही है। और ये देख सकते हैं मतलब बादलों को छू रही है पहाड़, देख सकते हैं। ओहो क्या नज़ारा, ये आप देख सकते हैं ये पहाड़ों का नज़ारा है। और ये देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में घर बनाया हुआ रास्तों को पार करते हुए। और ये पहला टनल मिलता हुआ हम लोग टनल को पार कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये बहुत तेज़ी से हम लोग का गाड़ी निकल रही है इस टनल से, और गाइस हम लोग टनल से निकल गए हैं। चलते हैं फिर आगे देखते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं इधर पहाड़ों को काट काट के रोड भी बनाए जा रहे हैं। मेरा तो सुझाव है कि पहाड़ों को क्यों, प्रकृति को क्यों छेड़छाड़ किया जा रहा है, जितना है उतना में चल सकते हैं भाई हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं, तरक्की। देख सकते हैं अब पहाड़ों को पूरा काटा जा रहा है, मेरे को तो नेचर से छेड़छाड़ अच्छा नहीं लगता है इतना बता दूँ। और ये देख सकते हैं ओहो क्या ही नज़ारा, धुंध वाला नज़ारा, पहाड़ों के बीचों का धुंध का नज़ारा, यहीं पे रुकने का मन हो जाता है। और रात को हम लोग यहीं पे रुके थे, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तिरमुहानी ये चली जाती है भूटान की तरफ, और यहाँ पे हम लोग रास्ते पे रुके हुए थे रात को, और यहीं पे मुझे रात को डर लग रहा था। और इसी रास्ते को हम लोग पार करते, वो जो पुल आप देख रहे हैं वो जाती है भूटान वाले रास्ते में, ये भी तीस्ता रिवर को पार करती है। और ये देख सकते हैं तीस्ता रिवर के जस्ट बगल में घर बनाया हुआ है। जब सिलीगुड़ी पहुँचने वाले हैं हम लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं जंगल के रास्ते में व्हीकल है, और ये पूरा एलिफेंट इधर हाथियों का झुंड इधर आता है इस पूरे जंगल में। देख सकते हैं जैसा कि पूरा जंगल ही जंगल है और बीच में ये रास्ता। तो चलिए फिर सिलीगुड़ी करके फिर आप मिलते हैं। तो है गाइस गैंगटॉक से निकल गए हम लोग वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में, और अभी हम लोग NH10 पे हैं, जाएंगे लोग NH27, और आज का हमारा टारगेट है अररिया। देखते हैं फिर आज टारगेट पूरा हो पाता है कि नहीं अररिया तक का। चलते हैं फिर, इधर का मार्केट आप देख सकते हैं। तो है गाइस आ गए हैं दार्जिलिंग मोड़, और जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय दार्जिलिंग मोड़ का नज़ारा, और इस समय ये सामने का देख रहे हैं सेव अर्थ का पिक्चर आप देख सकते हैं। सिस्टम बहुत अधिक चलता है, जो लॉटरी है ये नागालैंड सरकार चलाती है, और ये देख लो आपको मिल जाएगा। ऐसा क्या, ऐसा भी होता है सर सच में? बहुत लोग देखिए ना, बहुत लोग पाए हुए हैं, बहुत लोग पाए हुए हैं, बहुत लोग पाए हुए हैं। वहाँ पर एक भैया है उन्होंने मिला 18 लाख। तो है गाइस हम लोग आ चुके थे सिलीगुड़ी, लेकिन सिलीगुड़ी से यहाँ से कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा है, यहाँ से हिचहाइकिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, चाहे उधर से आने के समय भी और इधर से जाने के टाइम भी बहुत मुश्किल है हिचहाइकिंग करना, क्योंकि यहाँ पे लोग लिफ्ट नहीं देते हैं, सब लोग अपने मर्जी से रहते हैं। और बिहार में आप चले जाओ तो क्या मतलब लोग विश्वासी हैं, विश्वास भी लोगों को करना चाहिए लेकिन विश्वास लोग नहीं कर पा रहे हैं, आगे तक का लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। देखा जाए तो क्या कहा जाए, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मंजिल है, अपनी अपनी राय है, सबकी अपनी जो भी है। चलिए फिर आगे तक देखते हैं मिलती है कि नहीं, नहीं तो फिर यहीं पे आज रुकेंगे और फिर कल देखते हैं फिर कल क्या करते हैं। चलते हैं फिर आगे। तो हे गाइस हिचहाइकिंग का मतलब हुआ कि नो मनी, लेकिन यहाँ पे पैसा दे दे के कर रहे हैं लोग। देखते हैं फिर रात को 9 बजे तक हिचहाइकिंग करेंगे लोग। चलिए आगे फिर देखते हैं, आगे चल के मांगते हैं फिर लिफ्ट, कहीं आगे से मिल जाए, कहीं भगवान की मर्ज़ी हो जाए, देखते हैं।